जनाब राजा यसीन साहब अपने अजीजों कर वार्ड को तशरीफ लाए ने। मैं आज समझा कि बड़ी साधन की गल है कि शेर पे होने, वैसे हूं पब्लिक के अंदर शेरों का रिवाज घट हो गया, बाकी चीजा भी ठीक है अपनी जगह वजन रखनिया, लेकिन सकाफत का जोड़ा तालक है ना पटवार का, वो सिर्फ शेरों ही पहचान है। घंटे दो घंटे सकाफत की दिते जाने चाहिए हर बंदे चाहिए, तो बाकी और शुगल मेला भी करो, लेकिन शेर की कम अज कम दो घंटे दो ताकि एक सिलसिला चलना रहे शनाख्त है सारे इलाके की। और तुम देखो बलोचिया की सरदिया की उन्होंने कोई गल सारी समझ नहीं इसलिए, लेकिन बाकायदा उन्होंने चैनल चल रहे थे, लेकिन अल्लाह टंगा सू फारक ना होने कद कि टंग नपड़ो क्या दुए ने। ते मलक लतीफ रानी चाहते जनाब बशारत यासीन ने किस्ते जा बचो शेर जनाब राजे यासीन साहब ना परवैशी इस तरह है।
मैं कोशिश करना उनको पैगाम भेजना उसके राजे यासीन साहब ने चाहते भाई खुशी मुहब्बत है दो चार बोल पेश कर सा
एक शेर में सुनाना भाई कबीर साहब ने भी तो उस तो बाद छोटा भाई आशिश फैसल और शकील उन्होंने भी एक शेर पढ़ सा कबीर भाई की फिर साहब इलम कहते ने अल्लाह ने गजब को भी डरना चाहिए अल्लाह ने दोस्तों को गजब को भी डरना चाहिए इस वास्ते कि अल्लाह ने दोस्त अल्लाह ने दिते हुए नूर अली अपने तक दे बेअदबी को बचना चाहिए गलिया जल्दी समझ नहीं आनी लेकिन कोशिश करनी चाहिए समझ आ जाए तो ठीक नहीं तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि पाए गलास पानी पैना पेट पा नहीं पी सकना इस तरह दिमाग भी इसे तरह होने जी गल दिमाग इतना अच्छा वो गलत नहीं होनी बल्कि दिमाग के उपर होने गल ठीक होनी बंदे की समझ नहीं इसलिए समझिए ये बड़ी फिक्र वाली गल है इसलिए भी गल मौजूद है सत रहमत बाबा रिजवी सरकार से किसी गल तू वाकफ हो जाए वो ही जानता है ते लिखने वाले भी लिखे है जब तू भी कोई गल होती किसी गल वाले नहीं गल होने किसी की गल में आई तो उसकी कैसी गल होनी भाई कदीर की चाहते रुबाई मलक साहब आजम जी पीर मैं भी गल तो कर राम जी कोई कुसा ना पीर मैं तो फिर गल साहब मलक अयूब साहब
ਸਾਲ ਕਰਾਦਰਾਂ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
तो बाद एक एक शेर वाकया कर वो बरात है वो जिस तरह इंतजामिया ने दसिया है उसने मुताबिक शेर वाकया कर वो बताते
ते बंगला तो मालिक प्रधान तशरीफ लाए ने बड़ी मेहरबानी बड़ी थैंक यू जिस तरह जनाब हाजी लियाकत साहब ने तशरीफ रखने दे गल बड़ी लंबी चौड़ी है पर मैं इसकी मुख्तसर करके मारूफ किस्सा है सस्सी ना आदम जाम बादशाह सी उसने घर बहुत तरसा औलाद नहीं हुई आपने नचुमिया को पूछा तेरे घर में औलाद होनी है या नहीं होनी नचुमिया ने दसिया तो औलाद तो होनी है तेरे घर एक बच्ची पैदा हो सी जिसकी वजह तू तेरी सुल्त का सवाल पजीर हो जा सी अल्लाह ना करना होया और बच्ची इस दुनिया पर तशरीफ ले आई इस खतरे ने तैर उसनु कतल करने लगा लेकिन वजीरा बशीरा दरबारिया ने कहा इसनु कतल ना करो इसनु तुसी संदूक में बंद करके दरिया में हवाले कर दो कोई टाइम है तब मुख्तसर अल्फाज नहीं बल्कि अल्फाज न मफूम जिस वेला उस बच्ची नु उस दरिया ने हवाला किया और संदूक में बंद करके है दरमियान पहुंचा संदूक सारी आप ही मखलूक आप ही जानवर उस संदूक ने सजा कबा हो गए ते देखन लगे ते संदूक जो आवाज आई वो कड़ी आवाज सी आहा मदद मां
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਲਵਾਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ੀਦ ਆਖਿਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੀਰ ਬਹੁ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ, मेरे हसन हुसैन शबाब आले जन्ना, ये जन्नत के जवानों के सरदार है। लिखने वाले ने लिखा है आखिरी जुबाई, दोस्तों को इजाजत।
ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦ ਰਾਤ ਮਾਤਾ।